दोस्तों, अक्सर ही हम हवा में उड़ने वाले यूएफओ को देखते हैं और जैसा कि कई पिक्चर्स और वीडियोस में हमें यह एक तश्तरी की तरह लगता है। 99% मूवीज जो उड़न तश्तरियों पर बनी हैं उसमें भी यही दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए है कि ज्योमेट्रिकली ये शेप हवा में उड़ने के लिए सबसे माकूल है। सखी सैया तो खूब ही कमात है महंगाई डाय। यूएफओ के साथ हमें कई बार यूएसओ भी सुनने को मिलता है, जिसका अर्थ है अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड या सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट, मतलब जो पानी के नीचे भी जा सकते हैं। यूएसओ की घटनाएं हमें इसलिए भी कम सुनाई देती हैं क्योंकि वो पानी के ऊपर या नीचे होती हैं और हम लोग पानी पर उतना नहीं जाते जितना हम पृथ्वी पर इधर उधर जाते हैं। खैर, आज हम 1803 की एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसमें शायद एक यूएसओ की बात हो। 22 फरवरी 1803 को जापान के हिताची प्रांत के कुछ मछुआरों ने एक अजीब सी नाव देखी जो लगभग 3.3 मीटर ऊंची और 5.4 मीटर चौड़ी थी और तट के पास ही तैर रही थी। इस घटना के बारे में उस समय की 3 किताबों में भी लिखा गया था, जिसमें 1825 में द स्टोरीज फ्रॉम द गार्डन ऑफ रैबिट्स, 1835 में डायरीज एंड स्टोरीज ऑफ कास्टवेज और 1844 में पीच पाउडर मुख्य हैं। इन तीनों ही किताबों में उस यान या नाव की एक ही जैसी मेजरमेंट लिखी गई है और जगहों को छोड़कर बाकी की कहानी भी आपस में मिलती है। बहरहाल, मछुआरे उस चीज को खींच के तट पे ले आए। उसका ऊपरी भाग ऐसा लग रहा था जैसे रोजवुड से बना हुआ था, जबकि उसके निचले भाग में मेटल की प्लेट्स लगी हुई थी। ये हो सकता है उसे किनारे के पत्थरों से बचाने के लिए हो। ऊपरी भाग में काफी सारी खिड़कियां थीं जिसमें कि ग्लास या क्रिस्टल लगा हुआ था और छड़ें भी थीं और ग्लास को उस यान से पेड़ की गोंद द्वारा जोड़ा गया था। अंदर झांकने पे उन्होंने देखा कि उस चीज के अंदर एक अजीब सी भाषा में बहुत कुछ लिखा हुआ था और ध्यान से देखने पे उन्हें 2 चादरें, पानी से भरी हुई बोतल, थोड़ा सा केक और मीट दिखाई दिया। उन्हें उस चीज के अंदर एक खूबसूरत लड़की भी दिखाई दी जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 साल थी। उस लड़की की ऊंचाई लगभग 5 फीट थी और उसके बाल और भौहें लाल रंग की थी। मछुआरों के हिसाब से उसके लाल बालों में फर के सफेद हिस्से भी जुड़े हुए थे। ये या तो सफेद फर से बने थे या किसी सफेद कपड़े से बने हुए थे। उसका हेयर स्टाइल उस समय की किसी भी स्टाइल से अलग था। उसकी त्वचा का रंग सफेद और हल्का गुलाबी था और उसने काफी महंगा और लंबा गाउन पहन रखा था जो कि एक बहुत ही अच्छे कपड़े से बना हुआ था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। मछुआरों को देखते ही वो लड़की उस चीज से उतरी और बाहर आ गई। वो उन मछुआरों से एक अजीब सी भाषा में बात करने लगी, ऐसी भाषा जिसकी कि उन्हें ना कोई समझ थी और ना ही उन्होंने कहीं उसे सुना था। उस लड़की के हाथ में एक बॉक्स था जो लगभग 2 फीट लंबा था। बात करने के दौरान उसने उस बॉक्स को काफी कस के पकड़ रखा था। आश्चर्य की बात यह है कि जब भी कोई उस बॉक्स की तरफ बढ़ता तो वो गुस्से में आ जाती और उसे ऐसा करने से रोकती। एक बुजुर्ग मछुआरे के हिसाब से वो लड़की कहीं की राजकुमारी थी और उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद उसका किसी आम आदमी से इश्क हो गया और इसी वजह से उसके राज्य में बवाल हो गया था और उस आदमी को मार डाला गया था और उस डब्बे में उसी आदमी का सर था। और क्योंकि वो राजकुमारी थी इसलिए उसे मृत्युदंड देने की बजाय उसे इस चीज में बैठा कर समुन्द्र में छोड़ दिया गया। ऐसा उस बुजुर्ग ने इसलिए कहा क्योंकि कुछ समय पहले एक ऐसी घटना हो चुकी थी। ये मछुआरे उस चीज को उत्सुरो बून कहने लगे, जिसका अर्थ होता है खाली नाव। उत्सुरो बून के अंदर कुछ कालीन भी मिले थे और एक रतन जड़ित कप भी मिला था जो कि बहुत ही कीमती और खूबसूरत था। वो नाव एकदम एक उड़न तश्तरी की तरह ही लग रही थी। मछुआरों ने यह फैसला किया कि उस चीज और उस लड़की की तहकीकात में काफी वक्त और पैसा भी लग सकता है, सो सबने ये तय किया कि उसे उस चीज में बैठा कर वापिस समुन्द्र में छोड़ दिया जाए। आखिरकार भाषा न समझ पाने के कारण मछुआरों ने उस लड़की को उस चीज में बैठा कर वापिस समुन्द्र में भेज दिया। वो उसकी नाव को काफी देर तक देखते रहे जब तक कि वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। डॉक्टर तमाका ने कहा कि उत्सुरो बून एक यूएफओ या यूएसओ नहीं था क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा यंत्र उन लोगों ने नहीं देखा था और वो समुन्द्र में अपने आप ही तैर रही थी। बहुत से लोग उस लड़की को रूसी, इंग्लिश या अमरीकी बताते हैं और लोगों की कहानी से यही लगता है कि वो कोई अजीब सी दिखने वाली नाव थी जिसमें एक सुंदर लड़की को किसी सजा के तहत भेजा गया था। खैर, सच जो भी हो, जापान की इस कहानी को यूएफोलॉजिस्ट हमेशा ही शक की निगाह से देखेंगे। धन्यवाद। सखी सैया तो खूब ही कमात है महंगाई डाय।